हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मिनी सा व्लॉग। यहाँ पर मैं शेयर करूँगी पुणे का व्लॉग। तो मैं एक दिन के लिए पुणे गई थी, तो उसी का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड अगर इस तरीके के व्लॉग्स आपको देखना पसंद है तो मेक श्योर आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो देख पाएँ। तो यहाँ पर हमने टोल नाका वगैरह क्रॉस कर लिया एंड हम निकले थे 6:30 अराउंड, या 6:40 तक हम निकल चुके थे घर से। पुणे पहुँचने में हमें 3-3.5 घंटे लगने वाले थे, तो ब्रेकफास्ट हमने साथ में हम लेके नहीं आए थे, तो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके हैं। तो अभी हमारे देश पांडे वेज रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे एंड उसके बाद में आगे निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। यहाँ पर झूले वगैरह लगाए हुए थे, स्लाइड्स वगैरह थी बच्चों के खेलने के लिए एंड काफ़ी अच्छी जगह थी ये। तो ब्रेकफास्ट के लिए मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी है। अंदर का एम्बियंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, क्लीननेस भी बहुत ज़्यादा थी एंड ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मैंने अपने ये यहाँ पर ऑर्डर किया था मिसल पाव, बिकॉज अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मिसल पाव खाना तो ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। देन हमने एक पूरी सब्जी की थाली ऑर्डर की थी, जिसमें पूरी थी, सब्जी थी, शीरा था, एक आलू की सब्जी थी, दही था, प्याज था और खीरा था, पापड़ था। नेक्स्ट बच्चों ने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर किया था, तो ये सैंडविच था। एंड उसके बाद हमने एक प्लेट पोहा ऑर्डर किया था एंड नेक्स्ट उसके बाद भी हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। एंड चाय हम घर से लेकर आए थे, तो उसके बाद में हमने चाय कार में ही पी ली एंड थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए हमने अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करी। तो पुणे पहुंचने में हमें कम से कम 3-3.5 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ, बोरोसिल का कप है ये, कॉफ़ी मग है, बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम तक कॉफ़ी वगैरह गर्म रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पुणे पहुँच चुके हैं। तो पहले पुणे में हमें कुछ काम वगैरह था, तो हमने सोचा कि होटल में चेक इन करने से पहले वो सारे काम हम ख़त्म कर लें। गाड़ी को सर्विसिंग के लिए भी देना था और भी एक दो काम थे, तो वो पहले ख़त्म करने का। तो यहाँ पर मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं सोफ़ा वगैरह लगाया हुआ था एंड टीवी है, किचन की एरिया दी हुई थी, किचन एरिया भी काफ़ी अच्छी थी एंड रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो होटल का नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बैल्कनी भी दी गई थी, जहाँ पर चेयर्स वगैरह लगाए हुए थे, आराम से आप अपनी कॉफ़ी चाय इंजॉय कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा रूम लगा मुझे। यहाँ पर मैं आपको 360 व्यू दे रही हूँ रूम का। तो इस तरीके से लिविंग एरिया बनाई हुई थी, टीवी वगैरह था एंड किचन की एरिया में यहाँ पर ये चेयर्स वगैरह भी लगाई हुई थी। देन फ्रिज दिया हुआ था एंड केटल वगैरह था, इंडक्शन था। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रिज में इस तरीके से बॉटल्स रखी हुई थी। देन यहाँ पर ये एरिया में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं 4-5 दिन के लिए, अपनी जो भी है सामान वगैरह ला के कुक कर सकते हैं। प्लेट्स वगैरह भी थी, सॉस पैन वगैरह भी थे एंड ये माइक्रोवेव है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडक्शन भी है एंड केटल वगैरह भी है। देन आपको मैं रूम टूर दे देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये रूम था। हमने यहाँ पर मंगवाई थी मैगी एंड वेज पकौड़ा, बिकॉज शाम में थोड़ी सी भूख लग गई थी। तो हम पुणे पहुंच गए थे 10:40 तक, आई थिंक हम पुणे पहुंच गए थे। उसके बाद में हमें हमारी कार जो है वो सर्विसिंग के लिए देनी थी, तो वहां गए। उसके बाद में और भी 2-3 काम थे, तो वो सारे काम ख़त्म किए एंड होटल पहुंचते पहुंचते हमें 5:30-6 बज गए थे। उसके बाद हमने मैगी एंड वेज पकौड़ा ऑर्डर किया था एंड फिर मेरी तो तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लगने लगी, तो मैंने मेडिसिन ली एंड थोड़ा रेस्ट किया। बाकी मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है वो पूल पे गए थे, बट पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था इसलिए वापस आ गए। अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो हमने खाना ऑर्डर किया है एंड बस डिनर करेंगे एंड उसके बाद सोएंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।